गाजियाबाद में प्रियंका गांधी रोड शो करने वाली हैं कांग्रेस की प्रत्याशी रोहित शर्मा की। तो हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कितना प्रभाव पड़ेगा प्रियंका गांधी के इस रोड शो पे, कितना प्रभाव पड़ेगा इस रोड शो से गाजियाबाद। कांग्रेस का कार्यकर्ता, पार्टी के नेता और आम जनता खड़ी हो गई है। कब से ये मैसेज गाजियाबाद में फ्लैश हुआ है, प्रियंका गांधी आ रही है। चर्चा पर चर्चा हम जिधर भी निकल रहे हैं, भैया प्रियंका जी कितने बजे आ रही हैं, प्रियंका जी कितने बजे आ रही हैं। मुझे लगता है जो उनकी एक आभा है, जो उनका एक व्यक्तित्व है, उससे सोया हुआ कांग्रेस जन तो खड़ा हुआ ही है। आम आदमी में भी एक शुभ संदेश ये है कि प्रियंका जी आ गई हैं, जो राहुल जी ने पूरे देश में एक सच्चाई का नारा दिया कि वो जो कहते हैं वो कर देते हैं, प्रियंका जी के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और 11 तारीख को भाजपा के बात करें जनरल वी के सिंह की तो काफ़ी दिक्कत नाम है, डायर वी के सिंह, लेकिन क्या लगता है आपको कि कितना प्रभाव पड़ेगा प्रियंका गांधी के? ऐसा है, जहाँ तक जनरल साहब की बात है, पोस्टर तक के उनके लग गए क्षेत्र में, गांव में बोर्ड लग गए कि जनरल साहब जो है यहाँ घुसेंगे तो जो है घुसने नहीं देंगे। आप जनरल साहब की बात करें, वो तो 11 तारीख के बाद ढूंढने से नहीं मिलेंगे, उनके हालात तो ये रहेंगे। रह गई हमारे जो इंदिरा जी का समय जिन्होंने देखा, राजीव जी का समय जिन्होंने देखा है, वो लोग जब से सुना प्रियंका गांधी जी आ रही हैं वो ये देखना चाहते हैं कि इंदिरा जी की झलक दिखती है, कैसे प्रियंका जी हैं। तो लोगों में बहुत उत्साह, युवाओं के लिए तो आप जानते हो कि अगर देश की पूरी राजनीति की बात करें तो प्रियंका जी और राहुल जी से ज़्यादा मोदी जी तो युवा है नहीं। योगी जी जो हैं वो आप भी जानते हो जिस तरीके से जो है हिंदू संस्कृति को बेचकर सत्ता तक आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लीडर वहाँ भी और यहाँ लोकसभा में भी उन बीजेपी के कैंडिडेट से लाख गुना ज़्यादा अच्छी हैं। और बीजेपी का कैंडिडेट 23 मई को जब वोट खोलेंगी ना, तो जनरल साहब जो है यहाँ से 10 बजे निकल जाएंगे। जनरल साहब का इन 5 सालों में कितना दौरा रहा यहाँ पे गाजियाबाद में? ऐसा है, जनरल साहब ने दौरे जो किए हैं वो कहीं ज़्यादा ही बढ़िया, किसी वीआईपी के दावत पानी हुआ तो चले आए, किसी गरीब की झोंपड़ी में जाकर तो सुख दुख देखने के आए नहीं। जनरल साहब अगर आए तो बीजेपी का कोई मंत्री संतरी कोई बड़ा नेता है उसके यहाँ तो दावत पानी खाने आ गए, किसी गरीब के यहाँ तो जो है दावत लड़की की शादी में या कन्यादान देने के लिए आए नहीं है। उन्होंने यहाँ पर एक गरीब और अमीर की जो वो है वो परिभाषा यहाँ पर दिखाई है उन्होंने जो है। चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे प्रियंका गांधी की राष्ट्रीय इतना बड़ा प्रभाव यही नहीं बल्कि पूरे देश में पड़ चुका है। यहाँ पे जबरदस्त हमारे तमाम नौजवान आज ये बनने पे और ज्यादा सवाल आ रहा जो आप जी के बारे में, उसको तो यहाँ की जनता तमाम पहले नकार चुकी थी कि 5 साल में उन्होंने यहाँ मैं डॉली शर्मा की दाद देता हूँ उसकी मानता कि डॉली शर्मा के नाम से इनको बीजेपी वालों को मजबूर होकर फिर उसी पिकी भी वोट को पीके को लाना पड़ा है। लेकिन जिन्होंने कहा हमारे चौधरी साहब ने, सच्चाई है कि वो मतलब 5 साल यहाँ पे ना आने के बाद जो जनता उनसे दुखी थी परेशान थी, उन्होंने यहाँ आने के बाद में ऐसा मौका किया कि कभी लाइफ में यहाँ गाजियाबाद में इलेक्शन लड़ने के लायक रहेंगे भी नहीं। जैसा हमने सुना प्रियंका गांधी के रोड शो के लिए काफ़ी गुस्सा है बीजेपी से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और जैसा कि उनका कहना है कि जनरल वी के सिंह का जो है प्रभाव काफ़ी कम है, हम देख रहे हैं कि जब रिजल्ट आएंगे तब जनता कितना कांग्रेस को बीजेपी को चुनती है। कैमरामैन जी जितेंद्र पाल के साथ तालिब खान, गाजियाबाद।